sir. Ah, oh, come on! मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। ब्लड अटैक, आक्रमण। वाह, शानदार! पूरा खेल जैसे नील के इशारों पर चल रहा है। हम्पी, फैंटम ब्लड। और मुकाबला खत्म हुआ। जाबाज नील ने बड़ी आसानी से अपनी को खेल से बाहर कर दिया है और उसका जीतने का सिलसिला बरकरार है। बहुत खूब। सभी को नमस्कार। हीरोज का वॉच गार्ड बैटल लीग के महामुकाबले में अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। नील और सैम का पिछले साल बेहतरीन मुकाबला हुआ था और अब एक बार फिर दोनों एक दूसरे को टक्कर देंगे। क्या ये एक और यादगार मुकाबला होगा? हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, वहाँ देखिए, सैम है, उसका इंटरव्यू लेना हा? चाहिए। ये हो क्या रहा है? हाँ, यहाँ सैम से बात करने आए होंगे। मुझे लगता है ये टीवी पर आने वाला है। क्या ये टीवी पर आएगा? तो क्या मैं टीवी पर आऊंगी? हमें ये बताइए सैम, आपका एक बार फिर से नील के साथ मुकाबला है, क्या इस बार आप जीत पाएंगे? मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, मुझे जाना है। नहीं, ये कुछ कहना चाहता है। ये सैम थोड़ा शर्मीला है, आप तो समझते है ना। इसकी जगह मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ वीर, इस मैच में सैम के खिलाफ जाबाज योद्धा नील है, क्या सैम उससे जीत पाएगा? ये बिल्कुल जीतेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी बात याद रखना, मुझे पता है ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कहा, सैम जरूर जीतेगा। तुम बहुत आगे जाओगे सैम। अरे अब बस करो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वैसे क्या हम टीवी पर आ रहे हैं? ये तो टीवी पर चल रहा है। मैं सैम का सबसे अच्छा दोस्त वीर हूँ और मैं ही सैम को सब सिखा रहा हूँ। सैम कहता है मेरा गाना हमेशा से खुश कर देता है। अगर सैम को मैंने सिखाया तो नील चुटकियों में खेल से बाहर हो जाएगा। अब तुम्हारा खेल खत्म नील। मैं गायिका बनना चाहती हूँ, क्या मैं अभी सैम की पसंद का गाना सुनाऊं? तुम दोनों चुप हो जाओ। सैम को सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ। नहीं, सच में सैम को मैं सिखाऊंगा। हट जाओ यहाँ से, मुझे मेरा गाना गाने दो। ओ नहीं, तुम हटो यहाँ से, हटो। वाह, वो सब कितना मजेदार था, है ना? वाह, क्या ये तुम्हारे नील के मुकाबले की वजह से है? कितने लोगों का ध्यान है इस पर? पिछले साल सैम और नील का मुकाबला शानदार था, कमाल का था, हालांकि सैम हार गया था, है ना? इतनी आसान हार नहीं थी वो, कम से कम तुम्हारी तरह एक तरफा तो नहीं थी। मैं अगले मुकाबले में जीत कर रहूंगा, देख लेना सैम। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं इस बार जीत कर रहूंगा चाहे जो हो जाए। तुम्हें कम से कम उसके साथ मुकाबले का मौका तो मिल रहा है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ये सच है, मैडी का एक बार नील से मुकाबला हो चुका है। हाँ, मैं आज भी उस पल को याद करके काम चाहता हूँ। अरे रॉकी, बस थोड़ी देर और डटे रहो। बकवास, इस तरह से मुझसे मुकाबला करोगे? फैंटम रेजर आक्रमण। मेरा रॉकी खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। ओ, ये क्या है? खेल खत्म हो गया। डार्क ब्लो आक्रमण। नहीं रॉकी।
उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। मुकाबला खत्म होने के बाद भी उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि रॉकी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। उस पर जीतने का जुनून सवार है, जानते हो ना। नील बहुत शातिर खिलाड़ी है। सैम, इस बार मैच में तुम्हें कुछ अलग करना होगा, ठीक है? बिल्कुल, इस बार मैं जीत कर रहूंगा। मुझे जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। हाँ? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे। वाह, कितना मजा आ रहा है। ओ! पापा, मेरे आज स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए। तुम्हें अलग से भी पढ़ाया जाता है मेरे बच्चे, जाहिर है तुम्हारे ज्यादा नंबर आएंगे। माफ कीजिए, पर कुछ मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं श्रीमान। ठीक है, मैं चलता हूँ। पापा, मैंने आज स्कूल में एक नया दोस्त बनाया। आदि नाम है उसका, अच्छा है ना? ऐसी बात है, मैंने महीने का खर्च तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए इस बार। वो दरअसल ये क्या हुआ, क्या कहा? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। छोटे नवाब साहब का जाना जरूरी था, मुझे लग रहा है वो आज नहीं आ पाएंगे। ओह नहीं, उन्होंने मेरे जन्मदिन पर साथ रहने का वादा किया था, उन्हें कहो अभी वापस आए, बोलो ना। माफ कीजिए छोटे नवाब, पर उन्होंने ये जन्मदिन का तोहफा भिजवाया है, इसे रख लीजिए। मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए। किसने कहा कि मुझे ये चाहिए? मुझे ये नहीं चाहिए। छोटे नवाब, इसे एक बार देख तो लीजिए, बस एक बार। ये खास तरह से बनाई वॉच कार है। इसका नाम ब्लड है छोटे नवाब, ये बेहतरीन हुनर के लिए जाना जाता है। मुझे किसी भी तरह का तोहफा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पापा के साथ जन्मदिन मनाना है। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता? बेचारा मासूम नील, अगर आज मेम साहब जिंदा होती तो ये इतना अकेला नहीं होता। अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, है ना? पापा, मुझे वॉच कार मुकाबले में हिस्सा लेना है। मुझे पता है आपके पास वक्त नहीं है, बहुत सारे काम हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मेरे सारे दोस्त अपने पापा से सीख रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, पर हाँ, तुम्हें सिखाने के लिए मैं किसी को कोच रख सकता हूँ, और तुम सबसे कमाल के रहोगे। मुझे पता था आप यही कहोगे। आपके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होगा। ओहो, हेलो श्रीमान, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओहो, मैं मुकाबले में दूसरे नंबर पर आया। सबने कहा कि पहली बार के हिसाब से मैं बहुत कमाल खेला, आपको क्या लगता है? वाह, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया छोटे नवाब। मुझे पता है पापा भी खुश होंगे, मुझे जल्दी से उनको बताना है। पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। देखो, मैं दूसरे नंबर पर आया, और वो भी पहली बार में ही। तुम जानते हो इस साल का बैटन लीग किसने जीता है? टोयो कंस्ट्रक्शन के सीईओ के बेटे ने, जिससे कि मैं नफरत करता हूँ। पापा,
तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें जीतना चाहिए था। ऐसे लड़के से हारना कितने शर्म की बात है। पर पापा मत जाओ, मेरी बात सुनो। ओ पापा, क्या मैं आपका बुरा बेटा हूँ? ठीक है पापा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज के बाद मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा मुकाबला किससे है, कुछ भी हो, मुझे जीतना है, बस जीतना है। तुम मेरे साथ हो ब्लड,